माशाला जी तलहा बेटा आया साढ़े को। तलहा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब आ। सब तो पहले सब भैन भाइयों को अपील आ कि साढ़े भैन भाई ये वास्ते दुआ करन कि जी अम्मी आ मेरी बहुत अच्छी दोस्त आ, मेरी बहुत वो ज़्यादा भैन तो भी ज़्यादा मेरी वो बनती है कि मेरी इवें समझो कि मेरी जिम्मे छोटी भैन आवता इसी तरह मेरी उन्होंने बनती है। तो अल्लाह ताला इस बच्चे तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे। यदि बहुत ज़्यादा काफ़ी तबीयत खराब आ, इन्हों हो टाइफाइड, तो टाइफाइड बड़ा जबरदस्त किस्म का, मतलब समझो कि इन्हों पूरे जिसम के हड्डिया अटैक कर गया टाइफाइड, बहुत ज़्यादा मसला। थोड़ा जहाँ जानते बाबा भी ये दसन गए इन्हों के बारे में। चलो बेटा पहले तो बेगम साहब ने तालुक कराता, थोड़ा जहाँ मैं भी तालुक करा दिया। ये वो बच्चा है जिन्हें वाले वाला नाम दमशी बेगम साहब गए सुनते थे जी बिल्कुल। वो फिर उम्र से गया सी, ये शुरू तो ना थोड़ा ज़्यादा कमजोर हो रहे थे, कुछ मसलन साया सी जिस वजह तो कुछ खा पी भी नहीं रहा, काफ़ी परेशान सी। चार पाँच दिन पहले आए थे मैं वो टेस्ट कराने वास्ते, इन्होंने टेस्ट कराया ठीक है, मैं इन्होंने ये तो ना हड्डियाँ का टाइफाइड का मसला बन गया ठीक है। तो हूँ माशाला इन्हों अज तो जरा ना ट्रीटमेंट दसी, मैं कहा तुम ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करो इन शाला तुम पाँच दिन ठीक हो जाओगे। मैं कहा सवेरे शाम इंजेक्शन रख दे एंटीबायोटिक, तो उस बाद कुछ मेडिसिन वगैरह जल्दी रहे, कुछ खुराक अपनी बेहतर कर, इन शाला ठीक हो जाएगा। ये देखो हूँ क्या हो गया, यदि उम्र है तकरीबन इस समय 15 to 16 साल है, 15 साल है ना उम्र, 15 साल उम्र है तो लगता है जो आपको 9 साल 10 साल का। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये कद भी ना छोटा वा, हड्डियां की कमजोरी से जो इतना ज्यादा कमजोर हो गया है ना बिल्कुल, बस हो गई। हाँ जी मैं ही क्या मैं कहता हूं जगह ना आपको खुराक बेहतर कर, जितना ज्यादा खाएगा उतना ही ज्यादा फायदा। जी जी बिल्कुल, बाकी सही गल बहुत मतलब छोटा लग रहा वा, क्योंकि यह नहीं कि खाने पीन की कोई कमी है घर माशाला, खान की भी कोई कमी नहीं, तो बस उस तरह ही कहते ना कि कुछ इन्हों का जवान भाई चले गया इस दुनिया तो, कुछ उन्होंने भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम लिया बच्चे ने, तो जरा जरा उदो बच्चा एक फोत होया जिद वास्ते मैं दुआ की अपील की अपने भैन भाई आगे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई सी, तकरीबन पूरा माँ एक बीमार ही, मैं ट्रिपा लग दी रही, तो मैं उस बच्चे की टेंशन ली सी, जेडे बच्चे टेंशन ली सी वो एदा ही मतलब भाई सीगा बेटा सी साडा, अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत विच आला मकाम अता फरमाए, तो इन्हों अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे। कुछ मैं लगता उहदा भी बहुत ज़्यादा सोचता वा, एक वड्डा भाई आ उन्हें थोड़ा जिहा मतलब भी निगाह का मसला वा, तो एक छोटा वा दरम्यान वाला जिहड़ा सीगा वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया, वो अल्लाह का माल सी अल्लाह ताला कोल चले गया। तो साडी बहुत ज़्यादा दुआ वा कि अल्लाह ताला इस बच्चे तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे। सारे अपने भैन भरावों अगे भी अपील करांगे कि इस बच्चे वास्ते एक सुसन दुआ करो, एक छोटी जिनी अपने भैन भरावों की खिदमत अं करांगे कलाम पेश।
कलाम पेश कौन करेगा? सड़ा तला तला सड़ा माशाल्लाह समझदी का ले है कि कलाम पर को लगी ना पड़े हैं आज सुबह ने हिफ्स की थे माशाल्लाह कुरान पाक ना तो है ने कंप्लीट पढ़े हुए हैं। हां जी ते दूसरा आप जरा बंदा पे आप ने कुरान आज सुबह ने हिफ्स कर ले जी जी यार 22 पर रहने ने थे ते दूसरा नाथ काम बहुत अच्छा नाथ काम ही है सरदार है। हां जी मेनू खुशन है दी मेरी कोशिश है जब भी आवे ना इथे कुनार से सुना के जाओ। हां जी वैसे भी इनका अपना मदरसा बच्चे ना कोल पढ़दे हैं माशाल्लाह ताकि घर च बच्चियां भी इन्हां दे रखियां वा बच्चे पढ़दे इन्हां दे कोल नाथ वगैरह मैं सुनाओ जी जी बाद में तुसीं जाओ। हां जी चलो जी हां जी चलो जी तब तक काफी इख्तलाफ है लेकिन जिन्नी भी ओदे कोई नहीं जिन्नी मतलब उन्नी के सुना दे अल्लाह दे नाम सुन के मेरी अखा चांसू आ गया। अल्लाह पाक इस बच्चे नूं तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे। हाँ जी बहुत प्यारी माशाल्लाह नात पढ़ी इन्होंने। ये जी आए अपने बहनोई नाल ते भाई आंदा कि शायद कि मेरे ख्याल कोई सिलसिला दी शायद मदरसा इन्हां दा बन रहा वा लाहौर गए हुए ने ते अपने बहनोई नाल आए सी कि असीं कभी शाम नूं भी आ के इंजैक्शन लगवा सुबह भी लगवा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जल्द तो जल्द इन्हां सेहत याब करेगा क्यों मैंने जैन दे पापा जिधर लैके आए ने ते मैं अपने फिलहाल घर आई हुई हां मैं सुबह फोन किया सी मेरे वाले साहब ने ना। अच्छा मैं के तुसी मैं दसया नहीं भई की बनाया की नहीं बनाया आप भई कहंदा जी मैं जरा ना लेके गया सी जे ते चिल्ला अस्पताल ना इते जी जी उन्हें मुझे लगे और टेस्ट दे दूंगा मैं के टेस्ट आएगा 10 दिन बाद। अच्छा मैं तुसी उन्हें मैं के उस विटामिन डी दे लिखे आओगे हां ते तुसी मैं के मेरे को भेज दो कि के मैं सुबह शाम इंजेक्शन लाने हां कुछ ਫਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਣਾ ਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੀਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ 2 ਮਰਤਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਲੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।
अगर मेरे भैन भाई मेरा ब्लॉग अच्छा लगे पसंद आए लाइक शेयर जरूर कर देना और तलहा बेटे वास्ते खसूसन दुआवां की बहुत ज़्यादा जरूरत आ। खसूसन मेरे भैन भाइयों ने तलहा बेटे वास्ते दुआ करनी है। बहुत शुक्रिया तलहा बेटे, अल्लाह हाफिज़।